गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक पॉलिनोमियल. जस्ट इंट्रोडक्शन, आपको बताया गया था पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना, सब चीज बता रखी थी. एक्सरसाइज भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी. थर्ड क्वेश्चन तक अपना कंप्लीट हो चुका था. टुडे वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्या क्वेश्चन पूछना है, देखिए, राइट द डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन. राइट द डिग्री of each of the following polynomial. Degree पूछ रहा है आपसे. तो degree का क्या concept था, वो कोई भी polynomial equation में variable ऊपर जो भी highest degree होती है वही मेरा क्या होता है, degree of the polynomial. पहले question की बात करूं मैं, 5x cube plus 4x square plus 7x. 5x cube, गौर करें इसको, 5x cube plus 4x square plus 7x. इस केस के अंदर क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बताइए क्या होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल कौन सा है मेरा, वन वेरिएबल है एक्स. हाईएस्ट डिग्री कितनी मेरे पास, थ्री. सो द आंसर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज थ्री. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है मेरा फोर माइनस वाई स्क्वायर. बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. साफ दिख रहा है इसके अंदर वेरिएबल एक है, कॉन्स्टेंट टर्म है. तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है कौन सा, वाई. इसके ऊपर क्या है डिग्री हमारी, टू. तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, टू. क्लियर हो रहा है, आपको लिखना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यू हैव टू राइट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. साथ साथ लिखते रहे स्टूडेंट प्लीज. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू. इज इट क्लियर. थर्ड क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 5t माइनस रूट 7. मैंने क्या बोला इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, जल्दी बताइए. सर वेरिएबल है इसके टी, बताइए कोएफिशिएंट, बताइए टी का क्या होगा, बता रखा है मैंने 5. अब बताइए रूट 7 क्या है, ये माइनस रूट 7 एक कांस्टेंट टर्म. लेकिन क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है बताइए राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल. तो टी का हाईएस्ट पावर क्या है, जब कोई ऊपर दे नहीं रखा तो बनी तो है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल थर्ड केस में क्या होगा हमारा, 1. प्लीज राइट डाउन, आपने समझ लिया तो आप साथ साथ लिखते रहें. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. इस केस में हमारा हो गया 1. कोई डाउट स्टूडेंट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3. इसमें क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई बताएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें क्या है. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें क्या है बताइए, 0, क्योंकि ये तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है. तो फोर्थ केस के अंदर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है मेरा, बताइए 0. आपको लिखना है, लिखने का तरीका देख लीजिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बताइए, 0, क्योंकि कोई वेरिएबल्स नहीं है. क्लियर स्टूडेंट, कोई भी डाउट पूछिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर कॉमा क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. आपको क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल को कैसे, एज अ लीनियर, आपको क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. समझ गए, तो मैंने बताया लीनियर क्या बताया था, लीनियर में क्या था बताइए फटाफट. लीनियर में अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस की, तो फर्स्ट केस में जिस वेरिएबल में पावर, हाईएस्ट पावर को देखना है. हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर, 2 है एक्स स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या दिख रही है, क्या दिख रही है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बताया था मैंने आपको. तो अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस केस के अंदर क्या है पावर, 2 है. तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई डाउट है क्या स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. नेक्स्ट देखिए आप, x माइनस एक्स क्यूब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, x के ऊपर पावर देखिए, x के ऊपर पावर क्या है, क्यूब है बच्चों, क्या है बच्चों, क्यूब है. तो क्यूब है उस केस के अंदर क्या होगा एक्स क्यूब. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा मेरा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3. लेकिन मेरे से पूछा है बताइए क्या है, ये तो क्यूबिक है. तो ये मेरी जो इक्वेशन है ये क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या हो गया बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हो, मैं बस बताना था. अब आपको देखो मैंने सब बताया था, उससे आप इजीली पता कर सकते हो क्या इक्वेशन है. थर्ड देखिए बच्चों क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर. देखिए भाई डालस, देखिए दक्ष क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट क्या है, y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4, बताइए क्या है y स्क्वायर प्लस 4, बताइए इसके अंदर ही क्या है। तो देखा मैंने कि इसकी जो पावर है मेरी क्या है, यस 2 है, और ये क्या है, जब 2 आ जाता है वो क्या है, क्वाड्रेटिक, लीनियर में क्या होता है 1, क्यूबिक में क्या होता है 3, क्लियर है। तो क्या होगा, दिस इज माय व्हाट, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 1 + x, मैंने क्या बताया, क्या होगा कोई बताएगा, 1 + x इट्स व्हाट, लीनियर, ये क्या होगा हमारा, लीनियर पॉलीनोमियल। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था। क्या बताया था इस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, ये बताया था मैंने आपको कि बेसिक्स के बारे में बताया था, कैसे डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल निकालते हैं, किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड या लास्ट क्लास। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, 3t, ये क्या है बच्चों, 3t इज व्हाट, सिंपल लीनियर, क्या है ये भी, लीनियर, लीनियर क्यों हुआ, पावर है एक t के ऊपर, लीनियर पॉलीनोमियल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा बच्चों, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट देखिए आर स्क्वायर, अब टर्म्स मत देखना, ये मत मत टर्म्स है, आर स्क्वायर है, दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक, गलती मत करना, मैंने बोला पावर देखो, पावर क्या है, कितनी है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर टर्म की बात करता तो मोनोमियल था ये, लेकिन अगर मैं इक्वेशन की बात करूं किस टाइप की, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्लियर हुआ स्टूडेंट, देखो डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ये क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, व्हाट इज दिस, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। नेक्स्ट देखें आप लोग, नेक्स्ट है हमारा 7x³, ये क्या है, इक्वेशन देखो, एक्स वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर क्या है बेटा मेरा, इसके ऊपर पावर क्यूब है, जहां क्यूब है उसका मतलब क्या हुआ, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल, व्हाट इज दिस, क्यूबिक पॉलीनोमियल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए प्लीज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है मुझे समझ आ गया होगा आप लोगों को कि सर ने आज क्या बताया ये चीज, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये एक्सरसाइज 2.1 का हमारा था, क्वेश्चंस हैं, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सरसाइज कौन सी है, 2.2, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज, 1 by 1 वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इन द एक्सरसाइज। देखिए गौर करें, इज इट विजिबल स्टूडेंट, या ओके बेटा, देखिए चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x, इक्वेशन देखिए 5x - 4x² + 3, इक्वेशन है हमारी ये, एट x = 0, x = -1, x = 2, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। एट x = 0 का मतलब क्या हुआ, 0 को इसमें इस इक्वेशन में पुट करना, तो यू प्लीज पुट x = 0, तो क्या आएगा, 4x की जगह में 0 पुट करो, समझ आ रहा है आप लोगों को, ये एक पॉलीनोमियल इक्वेशन मान लेता है, px है भाई पॉलीनोमियल, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, तो क्या होगा, 5 ये 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, 0 हुआ ना 4, क्या हुआ, 0 का 3, ये भी 0 हुआ, प्लस का 3, द आंसर इज 3। इज इट क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद है समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट करते रहे, देखिए मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं, मेरी स्पीड स्लो है, ठीक है, जानबूझ के मैं स्लो स्पीड में लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी लिख सकें। देखो मेरे साथ साथ लिखोगे, समझते रहोगे, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा मैंने आपको सिखाया है कि शायद कंफ्यूजन तो होगा भी नहीं, और कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा ना आप कर लोगे। तो देखिए मान लेता हूं मेरी इक्वेशन है px, अब बताइए व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू पुट x = -1 इन द पॉलीनोमियल इक्वेशन। तो इफ यू पुट द x = -1, व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, = 5, यू हैव टू पुट द -1 + -4 - 1 का स्क्वायर + 3,
देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट, प्लस माइनस माइनस। देखो ऑपरेशन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस से बहुत गलतियां होती है, गौर करें, प्लस माइनस माइनस 5 × 1 = 5, इज इट क्लियर? मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब देखिए माइनस 4, मैंने बताया था कोई भी इंटीजर होता है अगर उसकी पावर, फॉर मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव इंटीजर्स, अगर नेगेटिव इंटीजर के ऊपर पावर है इवन, तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। याद है हमने डिस्कस किया, और नेगेटिव इंटीजर के ऊपर पावर है ऑड, तो मेरा आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो देखिए इसका क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर हाउ मच, 1, क्लियर, प्लस 3। अब बोर्ड मास आपको पता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, तो क्या करें आगे, माइनस 5 नॉर्मल, इसको आप क्या करोगे, 4 × 1 = 4, प्लस 3। नेक्स्ट माइनस 5 माइनस 4 हाउ मच, माइनस 9, प्लस का 3, माइनस 9 प्लस 3 हाउ मच, माइनस 6। समझ आया माइनस 6 कैसा आया, माइनस प्लस होता है तो क्या करता हूं मैं, माइनस। साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, वही मैंने यहां पर किया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बता दूंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब ये आप करोगे, ट्राई करें एक बार, क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करें, फर्स्ट का थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट के थर्ड की बात कर रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इक्वेशन, तो एक ही है, लेट अस टेक पॉलीनोमियल इक्वेशन px, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं ले रहा हूं वही लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बुक ऑथर्स हैव यूज्ड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, तो आप इतना कंफ्यूज ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो मैंने px लिया, आप भी ले सकते हैं, इक्वेशन लिखें सबसे पहले, यही अप्रोच आपको एग्जाम में अपनानी है, यू हैव टू अप्रोच सेम सच टाइप ऑफ मेथड। क्या करें, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, तो रखें ऐसे सिंपल, ये देखिए 2 रखा मैंने, अब क्या करना है, पुट करना है 2 x की जगह, लीजिए सर पुट कर दिया हमने, ये लीजिए, लेकिन देखो स्टेप आराम आराम से, ठीक है। अब क्या करूंगा, बस मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10, माइनस 4, 2 का स्क्वायर हाउ मच, 4 प्लस 3, इज इट क्लियर स्टूडेंट, 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 में से माइनस 16 गया, हाउ मच जल्दी बताइए फटाफट, इंटीजर्स का चैप्टर था ये, 7th क्लास में पढ़ रखा हमने, 10 माइनस 16 हाउ मच, आंसर इज माइनस 6 प्लस 3। अब बताइए क्या आंसर आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, करना क्या, माइनस प्लस क्या करता हूं, माइनस 6 में से 3 गया, हाउ मच 3। साइन क्या आएगा, साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होता है उसका साथ वाला साइन, 6 बड़ा है तो साइन 6 का ही लगेगा, आंसर इज माइनस 3। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी एक्सरसाइज है बेटा, प्लीज आप जो जो करा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन इसलिए कराता हूं ताकि आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, खुद भी ट्राई करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैं आपको स्पून फीडिंग दूंगा, और देखो स्पून फीडिंग मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आपको जो मैं करा रहा हूं आप समझो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड P0, P1, P2, ये क्या है P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल, आपको इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी, देखिए दे रखी ना, ये सब इक्वेशन ही तो है, y, x कुछ भी हो, इससे हमें टेंशन नहीं लेना, हमें तो पता है सर आपने सिखा रखा है पॉलीनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, कुछ भी नहीं था, p की वैल्यू जो, एक एक केस उठाऊंगा मैं, पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन था py, ध्यान है कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, आप भी नोट करते रहे, देखो साथ साथ नोटबुक होनी चाहिए आप लोगों के साथ। चलिए क्या करूं, सबसे पहले पहला केस है p0 का, तो कुछ भी नहीं करना, p0 पुट करो, ये लो सर करा हमने, अब देखिए सॉल्व कर रहा हूं, नॉर्मल 0 डालूंगा वाई की जगह, और क्या करूंगा, प्लस 1, अब इतना मत सॉल्व करो, 0 का 0 होता है 0, आंसर तो 1 ही आना है, आंसर क्या आया 1, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसी क्वेश्चन का p1 है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसका ही p1 है, क्या करूंगा p1 के अंदर, पुट करो 1 का स्क्वायर, यही इक्वेशन है, कंफ्यूज मत होना, यही इसको की बात कर रहा हूं, इसी इक्वेशन के अंदर मैं 3 वैल्यू पता करूंगा, p0 की मेरे वैल्यू निकाली, क्या आंसर आया था 1, अब मैं बात कर रहा हूं p1 की, तो p1 की वैल्यू को पुट करो 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 1, तो बस सिंपल, ये 1 - 1 + 1, आंसर तो 1 ही आएगा, देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यू विल गेट 1 एज द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग p की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2 में क्या करें सर, ये लो सर p की वैल्यू 2, यू हैव टू पुट द वैल्यू 2 इन y, तो 2 की वैल्यू पुट किया मैंने, इक्वेशन में पुट करता हूं, तो आंसर आता है 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 1, सॉल्व करिए बेटा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इज हाउ मच, मैंने हमेशा क्या स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, अगर आपको मैथ्स अच्छे करनी है यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 30 स्क्वायर्स,
याद रखना मेरी बात को, क्यूज भी याद करना बच्चों, टेन तक तो याद होने चाहिए। टू का स्क्वायर होता है फोर, उसके बाद क्या करते हैं माइनस टू प्लस वन, क्या आंसर आएगा, फोर में से टू गया टू प्लस वन। देखो नॉर्मल मैथ्स, हमें ये नहीं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करता है, आपको भी पता है स्टेप कैसे करना है, माइनस प्लस तो आता है सबको, और नहीं आता तो मैं वापस बता रहा हूं आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इज इट क्लियर, द आंसर इज थ्री। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें डाउट आएगा किसी को, क्योंकि आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सब बेसिक्स क्लियर कर दिए थे। तो देखिए फर्स्ट हो चुका है हमारा, अब एक क्वेश्चन करूंगा बाकी, देखो ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है बच्चों, नोट करें क्वेश्चन नंबर टू में, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, प्लीज होमवर्क है। पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब राइट डाउन। नेक्स्ट देखिए पीटी, ये क्वेश्चन करता हूं मैं पीटी, अब देखो टी ले लिया, अब कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा ना वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, टी जेड एक्स पी कुछ भी हो, आपको इससे मतलब नहीं, आपको तो अप्रोच पता होना चाहिए। टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और विजिबल है बच्चों, देखिए इजी। चलिए अब क्या करूं मैं, ठीक है सर आप सबसे पहले p की वैल्यू जीरो निकालिए, ठीक है बच्चों निकालता हूं p की वैल्यू जीरो, ये निकाला मैं एक साथ लिख देता हूं, p की वैल्यू जीरो करूंगा पहले, p की वैल्यू वन करूंगा, उसके बाद p का वैल्यू टू। इज इट क्लियर, अब तो सही है, अब आप ही बताओगे मैं नहीं बोलूंगा, देखो कैसे करना, क्या करें आप जीरो पुट करें, ठीक है सर जीरो पुट करते हैं, टू प्लस पी की वैल्यू जीरो प्लस टू पी की वैल्यू जीरो का स्क्वायर। देखो स्टेप पूरे लिखने पड़ेंगे, शॉर्टकट नहीं चलेगा इसके अंदर, सॉल्व करना आना चाहिए। क्या होगा बाप बताइए, टू जीरो ये तो हो गया पूरा जीरो, ये तो हो गया जीरो, इसका तो गेम खत्म, अब क्या बचा टू प्लस जीरो, आंसर क्या आया मेरा, आंसर क्या आया टू ही तो आएगा। नेक्स्ट देखिए पी की वैल्यू वन, पी की वैल्यू वन पुट करना है तो क्या होगा, टू इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, पी की जगह वन प्लस टू वन का स्क्वायर माइनस का वन का क्यूब, बताइए क्या होगा आंसर, इजी क्वेश्चन है, टू प्लस वन थ्री, क्या आया थ्री तो इसका आ गया। नेक्स्ट वन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वन ही होता है, टू इंटू वन टू माइनस वन हाउ मच, टू माइनस वन हाउ मच प्लस वन, आंसर क्या है मेरा फोर, क्या आंसर आ रहा है फोर। नेक्स्ट वैल्यू है पी की वैल्यू टू, पुट दी वैल्यू पी की वैल्यू टू इन द गिवन इक्वेशन, यू विल गेट टू, पुट करते हैं इक्वेशन में तो आपका आता है टू प्लस टू प्लस टू टी का स्क्वायर हो गया टू के, टी पुट की जगह मैं टू पुट कर रहा हूं माइनस टू का क्यूब, सॉल्व करें बेटा, टू प्लस टू फोर प्लस टू, टू का स्क्वायर हाउ मच फोर, क्लियर है, माइनस टू का क्यूब, देखो क्यूब भी आता है स्क्वायर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्यूब स्क्वायर, इसका मतलब तुम्हें आना चाहिए, टू का क्यूब क्या हुआ एट, आप ऐसा अभी से ट्राई करने लग जाए, स्क्वायर याद करें, फोर प्लस टू फोर इंट एट माइनस एट, अब देखो प्लस का एट है माइनस का एट, आपको पता अपोजिट साइन होते हैं, सेम नंबर होता है तो कैंसिल हो जाता, आंसर इज फोर। स्टूडेंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मुझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद है आ गया होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोट करते रहे साथ साथ, नोट भी करते रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये बेटा होमवर्क है, उम्मीद है ये आप करेंगे, होमवर्क है मेरी तरफ से, होमवर्क नोट करें, होमवर्क क्या है ये नोट करें, देखो विजिबल होना चाहिए, क्या है ये x माइनस फाइव पी एक्स एक्स पी एक्स एक्स माइनस वन, होमवर्क दो क्वेश्चन मैंने किए तो कुछ आप भी तो करोगे कि मैं ही करता रहूंगा, मैं इसलिए दे रहा हूं बेटा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, करना चाहूं तो मैं पूरे क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन क्या होता है सेम टाइप के अप्रोच है, दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं था, पी की वैल्यू जीरो रखोगे पुट करोगे, फिर पी की वैल्यू वन फिर पी की वैल्यू टू, यू हैव टू पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, उम्मीद है आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखें, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा दो इस क्वेश्चन को, आता है एग्जाम आया हुआ है, इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते, क्या पूछ रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पूछ रहा है बताइए क्या ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इंडिकेट अगेंस्ट देम, इंडिकेट करिए। पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, देखो कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, अगर मैथ्स को अच्छा करना है तो आपको भी देखो
दोनों को, दोनों का कमिटमेंट होना चाहिए। मैं आपको दे रहा हूं कमिटमेंट 50-50 और आप भी दोगे मुझे 50-50 ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था पी एक्स, पी एक्स करना क्या देख लो, 3x+1 ये है। ये क्या बोल रहा है, आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोम। कहने का मतलब अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, यहां पर गौर से सुनना मेरी बात को, अगर मेरा x की वैल्यू मैं पुट करूंगा किसी भी पॉलीनोमियल इक्वेशन में, अगर मेरा आंसर जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो आंसर मेरा होगा जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। कंफ्यूज, और अगर क्वेश्चन ऐसा जीरो नहीं आया तो जीरो नहीं आया तो वो नहीं है, इसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन नहीं है, यही क्वेश्चन में पता करना था। तो क्या करना, एट एक्स इजिकल टू माइनस, इस वैल्यू पर मुझे पता करना है मेरा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है। क्लियर, चलिए पुट करते हैं, पुट द वैल्यू। देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, -3 पुट करें। देखो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आप सोचते हैं डायरेक्ट आंसर ला दे, इस तरीके की अप्रोच मत करना कभी लाइफ में, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं, इनटू है, कैंसिल करो, 3 में से 3 गया 1 टाइम्स, -1 + 1, देखो आंसर आ गया 0, आया 0, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर दिस इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉलो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉलो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट इट, प्लीज राइट इट, लिखें मेरे साथ, मैं बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, और आपको भी ऐसे करना है, आपको भी ऐसे करना है, लिखिए। Therefore, this polynomial equation follows zero of the polynomial. कैसे पता किया? Because answer मेरा zero आया है, अभी बता दिया था आपको। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, पूरा समझ आ जाएगा गणित क्या है इसमें। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और करेंगे क्वेश्चन, मेरी बातों को अपनाएंगे। कौन सा क्वेश्चन करूं आप बताइए, कौन सा क्वेश्चन करूं, कुछ सोचे कौन सा। चलो अब ये कर लेते हैं, पाई को अजीब से दिख रहा है ना, इसको करते हैं। चलो क्या पाई लगाया से देखते हैं, पी एक्स इजिकल टू 5x - π, पी एक्स इजिकल टू 5x - π। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्या दे रहा है ये, एट x इजिकल टू 4/π, कुछ भी दे, पाई दे दे, कुछ भी दे दे, लॉगरिथम वाली टेबल लगा दे, एक्सपोनेंशियल लिख दे, मुझे उससे मतलब नहीं। अगर मेरा आंसर जीरो आएगा तो मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, आंसर जीरो नहीं आया तो मेरा पॉलिनोमियल नहीं है वो। चलिए पुट करते हैं, p की वैल्यू 4/5, जैसे मैं कर रहा हूं वैसा आप भी लिखते रहे, समझते रहे, 5 पुट करिए, 4/5 -π, क्या करूं, 5 से 5 कटा, यू विल गेट 4 - π। क्या 4 - π क्या है, पाई क्या है सर, पाई क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा, मैं जब सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर करवाऊंगा, पाई की वैल्यू होती है जनरली 322/7, क्या होती है 22/7, या फिर कह सकते हो 3.14, क्या कह सकते हो 3.14 या 22/7, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा आंसर ये आया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिख भी नहीं रहा है कि जीरो आ रहा, आंसर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट आ रहा है, उम्मीद है आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, होमवर्क है, लिख दीजिए होमवर्क। होमवर्क क्या है, पी एक्स इजिकल टू x²-1, पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर। देखो यहां मजेदार बात है, यहां दो वैल्यू दी, मैं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, दो वैल्यू दे रखी है, करेंगे क्या, पहले एक बार वन लो, वन में क्या जीरो आ रहा है, आता है तो पॉलिनोमियल है जीरो, फिर -1 पुट करें उसमें देखें, अगर दोनों में जीरो आ जाता है तो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, और अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है इसमें जीरो आ रहा है इसमें जीरो ना आ रहा है तो कोई बात नहीं, जिस वैल्यू में जीरो आ रहा है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जिस वैल्यू में जीरो नहीं आ रहा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ, गौर से सुने मेरी बात को, देख रहे हैं आप लोग तो कॉन्सेंट्रेट आपका इस व्हाइट बोर्ड में होना चाहिए, क्लियर है। चलो मैं एक क्वेश्चन कराता था क्या बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों को, ये तो आप सोच रहे सर तो फटाफट एक्सरसाइज कंप्लीट कराने पर लगे हुए है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो मुझे पता है इतना समझाने के बाद थोड़ा तुम भी तो करोगे क्वेश्चन ट्राई। क्वेश्चन देखो यार क्या है, नहीं क्वेश्चन ये वाला पहले कराता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, पी एक्स, ध्यान से देखो, पी एक्स x+1 इजी है, x - 2 करना क्या है, क्या करना है, x की वैल्यू पहले -1 करना, x की वैल्यू 2, कॉमा है बीच में, ठीक है कॉमा है,
तो पहले p की वैल्यू -1 रख के देखता हूं क्या आता है। देखो -1 +1 हो गया सवाल अपना, कुछ करने की जरूरत नहीं। जब -1 + 1 जीरो होता है, एनी नंबर मल्टीप्लाई विद जीरो इज ऑलवेज जीरो, यू नो बेटर ना, तो क्या आंसर आएगा देख लो आप। बट पुट तो हमें करना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू पुट -1 + 0 इज हाउ मच जीरो, और जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा जीरो ही आता है। क्लियर हुआ? इसका मतलब -1 की वैल्यू में मेरा ये इक्वेशन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए p की वैल्यू क्या है, 2। अब p की वैल्यू 2 पुट करता हूं मैं, नोट करते हैं साथ साथ p की वैल्यू 2, तो क्या करूंगा 2 पुट करें आप लोग, 2 + 1 (2 - 2) ये लो ये भी जीरो होगा। कैसे सर? इधर ही इक्वेशन होगा, 2 में से 2 गया जीरो, कोई भी नंबर जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो मेरा आंसर जीरो ही आता है। लेकिन आप पूरा लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो ना ऐसे, यू विल गेट जीरो। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू पर ये इक्वेशन मेरी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फॉलो करती है। क्लियर हुआ? उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्या है। होमवर्क लिखा आपने ये वाला, ये भी होमवर्क है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, तो वर्बली बोल दूं मैं क्या है इसका आंसर, जीरो तो आएगा, पुट करो ना 0 का square 0, ये तो यही खत्म हो गया, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, और क्या दे, चलो ये भी होमवर्क है, इजी है, उम्मीद है ये भी कर सकते हो। होमवर्क क्या करना है, हिंट दे रहा हूं मैं, x की जगह पुट करो -m/l, l से l कटा, -1 + m, 0। लो वर्बली हो रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वर्बली हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं कराता हूं रूट वाला, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, 7 क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों मैं चेक करूंगा, कॉपी आपके काम होना चाहिए पूरा, ये ध्यान रखना, काम पूरा होना चाहिए आप लोगों का। आप सोच रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, बस उतना पढ़ लें हम लोग फर्स्ट आ जाएंगे क्लास में, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिस सही है क्वेश्चन करने के लिए। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है मुझ पे 3x² - 1। नोट द क्वेश्चन, नोट करें एट किस पे करना है अपनों को, गौर से लिखे -1 / √3, रूट से डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो 2 / √3। अप्रोच अगर आती है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना आप कर लोगे, और अप्रोच नहीं आती है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करेंगे। क्या करना है, p की वैल्यू 1 / √3। बेटा नोट करें, फोकस करें व्हाइट बोर्ड पर, इधर उधर ना देखें, 3 1 / √3 देखो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं square - 1। अब देखो 3 क्या होता है, स्क्वायर, 1 का square how much 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, बोलेगा कोई 3 होता है, कैसे होता है बताया था मैंने, रूट का मतलब ही होता है 1/2, रूट का मतलब ही होता है 1/2। अब देख लो इसके ऊपर 1/2 है, 3 के पावर क्या था 1/2, और ऊपर क्या था मेरा 2 था, 2 से 2 कटा, यू विल गेट 3, वही लिखा है मैंने, माइनस का 1, 3 से 3 कटा, 1 - 1 = 0, ये लो आ गया इक्वेशन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलो कर रही है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखें, नोट क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन है, 2 / √3, ये लो 2 / √3 पुट करके देखते हैं बेटा, p इज इक्वल टू 2 / √3, पुट करें, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, 3 × 2/√3, लिखें नोट करें प्लीज, कैसे करेंगे सर, अभी बताया था क्या होगा, 3 × 2 का square 4 / √3 का square how much, अभी बोला मैंने 3 - 1। क्लियर है, क्लियर है अप्रोच, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन, नोट करें क्या करूं उसके बाद, 3 से 3 कटा, 4 में से 1 गया 3, नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है बच्चों, इसका मतलब ये इस पे तो ये 0 था, लेकिन इस पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्लास वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, 8th भी होमवर्क, नहीं आता तो मैं करवा दूंगा, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं प्लीज बी ऑनेस्ट इन योर वर्क, डिसिप्लिन रहें अपने काम के प्रति, ऑनेस्टली वर्क करें तो आपको कुछ फायदा है, अदरवाइज देखो बेटा मैं कितना अच्छा समझा दूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। नोट करें, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड, टुमारो ऑनवर्ड वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हैव अ नाइस डे, टेक केयर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।